अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44। चलान जो करते हैं ना वो गलत चीज़। और ठीक है, फायदेमंद बिल्कुल अनिवार्य है, ये बिल्कुल ठीक है, ये रूल तो ठीक है। दिल्ली में अगर आप अपनी गाड़ी से सफर कर रहे हैं तो आपको सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य हो गया है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भारी जुर्माना जो है वो भरना पड़ सकता है। आपको बता दें कि NCRB का 2021 का डाटा ये कहता है कि देश में करीब 155,622 मौतें जो थी वो रोड एक्सीडेंट में हुई थी, और उसमें सबसे अव्वल पर उत्तर प्रदेश है। हाल ही में देश के बड़े उद्योगपति साइरस मिस्त्री का निधन भी एक रोड एक्सीडेंट में हुआ था, जहां पर वो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, जहां पिछली सीट पर बैठे होने के बावजूद भी उनकी मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु का बड़ा कारण बताया जा रहा था सीट बेल्ट ना लगाना, जिसके बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने ये फैसला लिया और ये कहा कि अगर आप अपनी सीट पर पीछे बैठते हुए भी अपनी कार की सीट पर अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अब इसको फॉलो करना भी शुरू कर दिया है। और बाराखंबा के सर्कल पर कल कई लोगों के चालान जो है वो सिर्फ इसलिए काटे गए क्योंकि पिछली सीट पर बैठे जो यात्री थे उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी। मैं इस वक्त दिल्ली के एक बड़े ही मशहूर चौराहे ITO चौराहे पर खड़ा हूँ, जहाँ पर बड़ा ट्रैफिक देखा जाता है और बड़ी संख्या में लोग दिल्ली के इस छोर से उस छोर पर जाते हैं। हम लोगों से बात करेंगे और उनसे इस रूल के बारे में पूछेंगे, आखिर वो इससे कितना सहमत हैं और कितने ना सहमत हैं। इस तरीके से अभी पिछले दिनों साइरस मिस्त्री जी की मौत हुई थी, उसके बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री ने ये कहा था कि सीट बेल्ट जो है वो पिछली सीट पर भी लगाना अनिवार्य हो गया, अदरवाइज आपको चालान भरना पड़ेगा। कल दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर कई लोगों के चालान भी किए, किस नज़र से देखते हैं इस रूल को आप? सर, ये रूल तो ठीक है, लेकिन रूल के लिए जो ये अलग अलग से चालान कटते हैं ना पुलिस के, ये बेकार चीज़ें हैं। मतलब जितने भी रूल बनते हैं ना उसके लिए चालान जो कटते हैं ना वो गलत चीज़ है। मतलब किस तरीके? हाँ, वो गलत तरीके से चालान कटता है, पुलिस वाले भी गलत तरीके से चालान कटते हैं, वो गलत है। जितने रूल बनेंगे ना चालान करने का तरीका भी अलग अलग ही होगा। लेकिन अगर जो पिछली सीट पर आप चालान, हाँ वैसे वो ठीक है, रूल ठीक है, लेकिन ये चालान करने का तरीका, काटने का तरीका अलग होता है सर, गलत। बिल्कुल अनिवार्य है, और जबकि कंपनी ने दे भी रखी है जी, क्योंकि अभी पिछले दिनों एक साइरस मिस्त्री जी की मौत हुई थी, उसके बाद ये मामला काफी उठा क्योंकि लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते, आगे तो लगा भी रहे, पीछे बिल्कुल भी नहीं लगाते। तो इसको आप किस नजर से फॉलो? ठीक है, बिल्कुल राइट। ये लोगों की बच्चे बूढ़ा कोई भी बैठता हो तो उसके लिए सेफ्टी है, नहीं तो अभी देखा था वहाँ क्या हुआ था, तो बिजनेसमैन कितने बड़े। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ठीक है, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, जान है तो जान है, तो सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है। वैसे दृष्टि से तो कानून दृष्टि से ठीक है, सामाजिक दृष्टि से भी ठीक है, क्योंकि अगर लोग पीछे बैठते हैं तो एक तो ओवरलोडिंग कम हो जाएगी लोगों की, ज़्यादा लोग बैठा लेते हैं, जितनी सीट बेल्ट लगाएंगे उतने लोग बैठेंगे भी, और फिर एक्सीडेंट के समय पर इसके लिए काफ़ी फायदा होता है कि लोगों को बचाव होता है। क्या मानते हैं कि एक तरफ सरकार जो है वो सीट बेल्ट ना होने पर चालान कट रही है, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि दिल्ली से बाहर के कई इलाकों में सड़कें नहीं बनी होती, उसकी वजह से ही बड़े चालान होते हैं, वो सरकार की खामी मानते हैं? बिल्कुल सरकार की खामी है इसमें, इससे काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, सड़कें खराब होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा इसमें कमी है सरकार। लेकिन जो सीट बेल्ट का रूल बना है उसके आप बिल्कुल पक्ष में हैं? हाँ, पक्ष में। तो ये थे दिल्ली के कुछ लोग जिन्होंने अपनी राय रखी और बताया कि किस तरीके से वो इस नए कानून को देखते हैं। परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने जिस तरीके से पिछली सीट पर भी अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया, उस पर दिल्ली वालों ने अपनी राय रखी और बताया कि ये रूल जो है बिल्कुल सटीक है, सही है, क्योंकि सुरक्षा के पर्पज़ से अगर देखा जाए तो इससे हमारा ही फायदा है। तो ये तमाम जो लोग थे, दिल्लीवासी थे, दिल्ली के लोग थे, जिन्होंने अपनी बात कही, अपनी बात बताई, कुछ लोगों की किसी और चीज़ को लेकर भी शिकायत थी, तो ये तमाम बातें आपने हमारे चैनल पर देखी। इस तरीके की और वीडियोस को हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी नीरज के साथ मैं जिब्रान जरार खान, News 44 दिल्ली। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44।